जनवार टाइम्स के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं सोहेल। पहली बार 24 घंटों में कोरोना वायरस के 149 नए मामले, मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 873। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 149 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ भारत में इस वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़कर 873 हो गई है। कोविड-19 की वजह से अब तक 19 लोगों की जान गई है, वहीं 79 लोग अब तक इस बीमारी से ठीक हुए हैं या फिर उनकी स्थिति में सुधार आया है। कोरोना वायरस खतरे को देखते हुए सरकार ने गुरुवार को 1.70 लाख करोड़ रुपए से अधिक के राहत पैकेज की घोषणा की, जबकि भारतीय रिजर्व ने कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए रेपो दर CRR में कटौती और बैंकों को कर्ज की किस्त पर वसूली से 3 महीने तक रोक की अनुमति दी है। बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं। उनकी जांच रिपोर्ट में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। बोरिस जॉनसन ने शुक्रवार को खुद ही ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बोरिस जॉनसन में कोरोना वायरस के कुछ लक्षण दिखाई दिए और कोरोना वायरस की उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वो सरकार का नेतृत्व करते रहेंगे। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए जनवर टाइम्स के न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।